लखीमपुर खीरी में मदर चाइल्ड केयर सेंटर में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन कर रहे गृह राज्य आपके बेटे पर जो और धाराएं टेनी से जब एक पत्रकारों ने तिकुनिया कांड के मुख्य आरोपी उनके बेटे आशीष मिश्रा पर हत्या की साजिश संबंधी धाराएं बढ़ाने पर सवाल किया तो आपक हो बैठे वो। उन्होंने पत्रकारों के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उन्होंने पत्रकार पर हाथ भी उठाया। उनका ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। जो वीडियो सामने आया है उसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने पत्रकार पर हाथ उठाने की भी कोशिश की, लेकिन साथ में खड़े लोगों ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद फिर अजय मिश्रा टेनी ने पत्रकारों को गाली दे दी। तो आप देख सकते हैं वीडियो, पहले आप सुनिए ये किस तरह से उन्होंने किन शब्दों का इस्तेमाल किया है। आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं उस पर क्या जो काम है उस काम के बारे में बात करोगे कि धारणाओं के बारे में? धारणाओं के बारे में नहीं, नहीं जो एसआईटी नहीं जाना ऐसा है ठीक है, सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या बे? हैं छोड़ो ए बंद कर दे, अरे फोन बंद कर दे, अरे फोन बंद कर दे, पूछो अरे फोन बंद कर दे, पूछो आप पूछो क्या सीट लगे? नहीं नहीं एसआईटी में लगाइए, एसआईटी में पूछो जाके ना। ऐसे यही जो हमारे मीडिया वाले हैं ना, उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। जान बच गई थी उसके भाग में बाद में मारा गया, तब से तो नहीं बन गया। ने किस तरह से अजय मिश्रा पत्रकारों को धमकाते हुए और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। हालांकि मामला बस इतना था कि उनके बेटे को लेकर पत्रकार सवाल कर रहे थे। तो आरके मिश्रा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरके मिश्रा जी आपका स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। जी 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 आरके मिश्रा जी, अजय मिश्रा का वीडियो तो आपने देख लिया होगा, सवाल नहीं करूंगी सीधा आपसे पूछूंगी, क्या कहेंगे वीडियो देखने के बाद? देखिए एक्चुअली मैंने कोई वीडियो अभी देख नहीं पाया मैं एक्चुअली जी, क्योंकि मैं कहीं दिल्ली से बाहर था मैं अभी जी। लेकिन जैसे अभी पता चला है आप लोगों से ही, मीडिया से ही हमें पता चला है अभी जी। देखिए किसी तरह के संवैधानिक तरीके से मीडिया को स्वतंत्रता है, जो चौथे स्तंभ का जो उनको एक मिला हुआ है, एक अधिकार मिला हुआ है, निश्चित तौर पर वो पत्रकार जो है सो पूछ सकते हैं सवाल। आर के मिश्रा जी आप कह रहे हैं कि मीडिया से ही आपको पता चला, वीडियो क्या सच में ही आपने नहीं देखा या आप बच रहे हैं अभी? नहीं नहीं मैं सही में नहीं देखा अभी, जिस तरह से आपके कोऑर्डिनेटर ने मुझसे संपर्क किया, चूंकि मैं रास्ते में हूँ, जयपुर के रास्ते में हूँ, और सही में मैंने नहीं देखा है आज, तो इसीलिए मैं उसके ऊपर में थोड़ा सा टिपका टिप्पणी करना ये नहीं पसंद करूंगा कि पता नहीं क्या वीडियो में है नहीं नहीं है। नहीं हम मैं बता देती हूं आपको, मैं आपको बता देती हूं, पत्रकारों ने सिर्फ उनके बेटे को लेकर सवाल पूछा था और उसी पर वो भड़क गए, कह रहे हैं कि फोन बंद करो अपना, तुम जैसे लोगों की वजह से निर्दोषों को सजा मिल रही है। अब आप बताइए। नहीं नहीं मैं वही चीज अब मैं उसी के ऊपर में अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कानून अपना काम कर रहा है और पत्रकार भी अपना काम कर रहे हैं, अगर वो इस तरह की अगर कोई ऐसी बात हुई है तो निश्चित तौर पर वो उसकी श्रेणी में आ जाता है। जहां तक बात है पत्रकारों की, निश्चित तौर पर वो एक चौथे स्तंभ की तरह संविधान में काम कर रहे हैं, संवैधानिक तरीके से उन्होंने प्रश्न पूछा तो फिर उन्हें उनका काम करने दीजिए ना। इस तरह से अगर आपके नेता आपके मंत्री धमकाएंगे पत्रकारों को तो कैसे पत्रकारिता होगी, कैसे काम किया जाएगा? बिल्कुल नहीं, ये देखिए धमकाने वाली प्रक्रिया, ये तो मैं कोई भी डिफेंड नहीं करेगा इस चीज को, लेकिन अगर मैं पहले एक बार मैं वीडियो देख लूं तो मैं थोड़ा सा और क्लैरिटी हो सकती नहीं है। देखिए अब आपको क्या, मैंने जो वीडियो में है गलत वो नहीं है, जो भी है वीडियो में मैंने आपको वो सब बता दिया है। अब क्या मैं वीडियो मना नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं उतना डिफेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं केवल वास्तविकता की बात कर रहा हूँ। अगर वास्तविकता में सचमुच में हुआ क्या ऐसा, चलिए ठीक है आर के मिश्रा जी एक मिनट हम वीडियो प्ले करते हैं, आप जरा सुन लीजिए बस क्या कहा है उन्होंने, सुन लीजिए आप, चलाइए वीडियो। आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं उस पर क्या जो काम है उस काम के बारे में बात करोगे कि धाराओं के बारे में? नहीं नहीं जो एसआईटी नहीं जाना ऐसा है ठीक है, सवाल मत करा करो, दिमाग खराब है क्या बे? छोड़ो ए फोन बंद कर दे, अरे फोन बंद कर दे, अरे फोन बंद कर दे, पूछो आप पूछो क्या कह रहे हैं?
अरे फोन बंद कर दे। काम कर दीजिए। आरके मिश्रा जी, जी 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 बिल्कुल, आपको शायद सुनाई समझ आ गया सही से क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। देखिए कानून अपना काम कर रहा है, आज अगर उनके बेटे के ऊपर में अगर किसी तरह का नहीं, कानून अपना काम कर रहा है तो फिर आज ये क्यों कह रहे हैं अजय मिश्रा के निर्दोष लोगों को फंसा रहे हैं आप जैसे लोग? अब कौन निर्दोष रह गया? हत्या का केस उनके बेटे पर चल रहा है फिर भी वो निर्दोष बता रहे हैं? देखिए जहां तक एसआईटी की बात है उसमें जिस तरह से धाराएं कल जैसे मुझे पता चला जो कि क्या और धारा इसमें ऐड किया गया है हाईकोर्ट की तरफ से भी उसको संज्ञान लेते हुए किया गया है। निश्चित तौर पर मैं ये कह रहा हूँ संवैधानिक तरीके से आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन ये धमकाने का प्रक्रिया पता नहीं क्या परिस्थिति बनी थी मुझे नहीं पता, लेकिन नहीं, आप अभी 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 आप डिफेंड कर रहे हैं, आप पहले कह रहे हैं कि डिफेंड नहीं करूंगा, अभी आप कह रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति क्या बनी होगी? परिस्थिति क्या बनी थी? कुछ नहीं बनी थी, पत्रकार तो सवाल कर रहा था। अभी भी कह रहा हूँ मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ अगर ऐसा हुआ है तो मैं इस चीज को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं कानून को अपना काम करने दें मैं इतना ही कहूंगा। और जहां तक बात है वहां पर क्या अभी जैसे आपने वीडियो की हमें जिस तरह से सुनी, हमने जिस तरह से वो बाइक सुनी है, तो निश्चित तौर पर इसको डिफेंड नहीं किया जा सकता है, और जो परिस्थिति बनी है उसको देखने के बाद और क्लैरिटी होगी ये मैं कहता हूँ। अब भी क्या क्लियरिटी चाहिए आरके मिश्रा जी, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। परिस्थिति परिस्थिति की आप बार बार बात कर रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश में गुंडा राज खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन अगर आपके ही मंत्री इस तरह से पत्रकारों को धमकाते नजर आएंगे, गुंडागर्दी करते नजर आएंगे, आम जनता कैसे रहेगी? ये सम्मान है पत्रकारों के लिए, पूरा सम्मान है। दिख गया वो तो सम्मान आज का। मैं कह रहा हूँ किसी भी अगर वो कह रहे हैं निर्दोष है, निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूँ जो कानून अपना काम का अगर निर्दोष पाए जाएंगे तो उनको बरी कर दिया जाएगा, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं आपको जो मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन परिस्थिति चूंकि हमारे सामने में नहीं है इसीलिए मैं उस चीज को कह रहा हूँ जो कि परिस्थिति क्या बनी वहां पर नहीं बनी, लेकिन जिस तरह से बाइट आ रहा है मैं अभी भी कह रहा हूँ उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। आरके मिश्रा जी, अगर परिस्थिति नहीं बनती होती ना तो आज दिल्ली नहीं बुलाया जाता अजय मिश्रा को, दिल्ली तलब कर लिया गया है उन्हें। कहां मना कर रहा हूं मैं, मना तो कर ही नहीं रहा, मैं अभी भी कह रहा हूं आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं अभी भी कह रहा हूं जो मैं उस जो शब्द है जो कंटेंट है उसको मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं जी, लेकिन ये परिस्थिति किस तरह से बनी क्या बनी मैं उसको थोड़ा सा और क्लैरिटी करने की ठीक है ठीक है। चलिए ठीक है आरके मिश्रा जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।